हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं अनिल कुमार यादव सूरज। बेसिक मैथ के बारे में हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। यदि बेसिक मैथ ये आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि बेसिक मैथ में हम लोग क्या क्या गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे जितने भी क्वेश्चन आप लगाते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। तो चलिए बेसिक मैथ को आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं कि बेसिक मैथ में आप क्या गलतियां कर देते हैं या क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पक्षांतर के बारे में। जो हम लोग पक्षांतर करते हैं वो कितने प्रकार से आते हैं, क्या क्या किस किस चीजों को हम पक्षांतर करते हैं, तो चलिए सबसे पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं कि एक बेसिक के रूप में आता है। अगर पहली बात किया जाए पक्षांतर में, तो पक्षांतर हमेशा एक समीकरण के रूप में ही किया जाता है। समीकरण का मतलब होता है जिसमें इक्वल टू हो और एक लेफ्ट साइड हो एक राइट साइड हो, दोनों लेफ्ट और राइट होते हैं। अगर लेफ्ट को राइट में भेजते हैं या राइट को लेफ्ट में भेजते हैं तो उसे ही पक्षांतर कहते हैं। पक्षांतर तो आपको समझ में आ गया, लेकिन पक्षांतर किस किस चीजों को कर सकते हैं, जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग, हर किसी चीजों को आप पक्षांतर कर सकते हैं। और ये जो भी कुछ हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं ये आप अपने मैथ में, अपने एसएससी की तैयारी में या किसी भी चीजों की तैयारी में भी फॉलो कर सकते हैं। इसका नियम आता है, यदि एसएससी की या किसी भी तैयारियां करना चाहते हैं आप, तो उसकी भी तैयारियां हम कराते हैं। उसको देखने के लिए आगे की वीडियो हम बनाएंगे, वहां पे आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है। अब चलिए पक्षांतर के बारे में बताते हैं। तो पहली चीज आती है जोड़ की, फिर आती है घटाना की, फिर आती है गुणा की, फिर भाग की। पहले हम इस चारों के बारे में बता देते हैं, फिर आगे भी बताते हैं कि क्या क्या पक्षांतर और कर सकते हैं। यदि बात किया जाए जैसे है 2x है और इधर है 3, अगर हम इस चीजों को बराबर के इस साइड पक्षांतर करते हैं, मतलब राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, हम इसको पक्षांतर करते हैं इस साइड, तो क्या होना चाहिए? अगर इसको पक्षांतर करते हैं तो क्या होगा, इधर तो हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 3। अब ये पहले से प्लस में है, अगर प्लस में रहता है तो पक्षांतर करने में हो जाएगा माइनस 2x, ये हो गया पक्षांतर। तो क्लियर समझ में आ गया होगा, इसका उद्देश्य ये है कि अगर प्लस रहेगा तो बराबर के उस साइड पक्षांतर करने पे माइनस होता है। अब नंबर 2 आते हैं। नंबर 2 यदि हम ले लेते हैं इस तरह से, तो अगर हम यहाँ पे इसको पक्षांतर करते हैं तो ये पहले से माइनस में है और बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 = 4 तो पहले से ही है, इसको पक्षांतर करते हैं तो प्लस हो जाएगा 2x। इससे हमें क्या उद्देश्य मिला, इससे उद्देश्य मिला कि यदि माइनस को पक्षांतर करते हैं तो वो हो जाएगा प्लस। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस होता है। अब नंबर 3 आते हैं। नंबर 3 हम गुणा के बारे में बात करेंगे। देखिए इन दोनों के बीच में गुणा का संबंध है, क्लियर समझ में आ रहा है? यदि गुणा के संबंध में है तो बराबर के उस साइड अगर पक्षांतर करते हैं गुणा को तो वो होता है भाग के रूप में, ये हो गया भाग। या इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो गुणा को पक्षांतर करते हैं तो हो जाता है भाग। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4। 4 में क्या होता है, यदि भाग के रूप में रहे, ऑलरेडी ये भाग है, और अगर इसको पक्षांतर करते हैं तो वो हो जाता है गुणा के रूप में, जैसे 2 × 2, इसको पक्षांतर कर दिया बराबर के उस साइड, गुणा हो गया। इसका उद्देश्य क्या मिला, अगर भाग रहेगा तो बराबर के उस साइड पक्षांतर करने पे गुणा हो जाएगा। चार चीजों को तो हमने एकदम क्लियर समझा दिया आपको, हमें उम्मीद है आपको ये चारों चीजें आप कभी नहीं भूलेंगे यदि मैथ लगाएंगे तो। बाकी और क्या क्या चीजें हैं जिसको आप पक्षांतर कर सकते हैं, चलिए आगे बताते हैं। नंबर 5, यदि हम बात किया जाए लॉग की, यदि लॉग को पक्षांतर करते हैं, मान लीजिए इधर है 3 8, लॉग x बराबर मान लेते हैं, लॉग x बराबर है 38, अगर लॉग को उधर पक्षांतर करते हैं तो वो हो जाता है एंटी लॉग में, तो लिख सकते हैं एंटी लॉग 38। या कहने का उद्देश्य अगर इसको देखा जाए, ये अगर क्लियर समझ में नहीं आता है कि ये कैसे क्या है, तो इसको आप समझ लीजिए क्या है, लॉग को यदि हम बराबर के इस साइड पक्षांतर करते हैं तो वो होता है एंटी लॉग, जो एंटी लॉग हम लोग देखते हैं। तो ये 5 नंबर का उद्देश्य है।
नंबर 6, यदि पावर की बात किया जाए, जैसे इसका पावर 2 है, यदि पावर को पक्षांतर करते तो क्या होता है? ये पावर पक्षांतर करेंगे तो वही पावर बटे के रूप में आ जाता है। क्लियर समझ में नहीं आया, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। यदि यही पावर 3 के रूप में रहेगा और इधर है 4, तो क्या हो जाएगा? 4 के पावर 3 तो है, पक्षांतर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। क्लियर समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक और देख लीजिए। अगर 4 है, इधर है 5, तो क्या होना चाहिए? 5 के अपान वही पावर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। कहने का उद्देश्य यह है, जो पावर रहेगा वो 1/4 के रूप में आ जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए 7 की, अगर वही पावर हाफ के रूप में रहेगा या बटे के रूप में रहेगा, तो इधर पक्षांतर होगा तो क्या होगा? उस स्थिति में वही पावर पलट जाता है, केवल 2/1 कर सकते हैं। या फिर समझ लीजिए, यदि x के पावर 3/2 है, इधर है 5, पक्षांतर करेंगे पावर को तो क्या हो जाएगा? 5/2/3। उद्देश्य समझ गए हैं? इसको परिवर्तित कर देना या व्युत्क्रम में परिवर्तित कर देना वही होता है पावर का पक्षांतर करना। तो पक्षांतर करने तो आपको क्लियर समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं वो है अंडर रूट के बारे में। अंडर रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो हम बनाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि अगर वो यूट्यूब पे देखा जाए तो करोड़ों वीडियोस मिलेंगे, लेकिन हम यदि ये वीडियो अपलोड मारते हैं तो आपको नहीं मिल पाएंगे। उसकी सूचना पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए इस चीज़ को बना देते हैं, लेकिन आप उसे सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।